हाँ यार तुम लोग बिल्कुल हद करके रखते हो। प्रयागराज में 2025 महाकुंभ के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। देश भर से आए श्रद्धालुओं को कनेक्टिविटी की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए संगम शहर में मोबाइल टावर लगाने का पूरा प्लान है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों को अपने फोन में नेटवर्क की परेशानी ना हो। अधिकारियों के अनुसार अगले साल जनवरी में शुरू होने वाले इस विशाल मेले में लगभग 45 दिन की अवधि में 40 करोड़ तीर्थयात्रियों का आगमन होगा। शहर में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए शहर में मोबाइल टावरों के अलावा ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बिछाए जा रहे हैं, जो और भी सुविधा प्रदान करेंगे। हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ 14 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। प्रशासन पहले ही तैयारियों में जुटा हुआ है। सफाई से लेकर सुविधाओं तक हर व्यवस्था पर खासा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि इस बार के महाकुंभ में भक्तों को कोई परेशानी न हो। जो विभिन्न सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस जियो है, भारतीय एयरटेल है, BSNL है, वोडाफोन है, ये सब अपना BTS लगाएंगी, तो वो BTS अपनी एक निश्चित रेंज में रहता है, वो उनके मानक के अनुसार रख करके करीब हम लोगों ने 80 प्लान किया है पूरे मेला क्षेत्र में, और अभी 10 के आसपास हम लोगों ने इंस्टॉल भी कर दिए हैं। जैसे जैसे जमीन मिलती जाएगी वैसे वैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। जैसा कि अधिकारियों ने बताया कि 45 दिन में करीब 40 करोड़ तीर्थयात्रियों के महाकुंभ में आने के आसार हैं। ऐसे में इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बार के महाकुंभ में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बता दें, इससे पहले 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा था। कुंभ मेला लाखों हिंदुओं का एक समूह है, जो प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों के संगम पर स्नान करते हैं। कुंभ मेले को दुनिया के सबसे बड़े शांतिपूर्ण समारोह में से एक माना जाता है। सौगंध TV की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।